नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने झुकते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि अभी की सबसे बड़ी खबर क्या है। साथ ही एलएसी पर तनाव के बीच राजनाथ सिंह ने चाइना को दिया करारा जवाब, बताएंगे क्या कहा राजनाथ सिंह ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चाइना को जापान ने भी दिया अब तक का सबसे तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, किस बात को लेकर झटका दिया है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर यूपी सरकार ने दिया पड़ोसी देश को झटका, चीनी कंपनियों को होगा करोड़ों का नुकसान, बताएंगे किस चीज को लेकर योगी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारतीय अमेरिकी मुझे देंगे वोट, प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार नेता, ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। साथ ही अगर आप भी रेल से सफर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बता देंगे 12 सितंबर से क्या होने जा रहा है नया बदलाव रेलवे को लेकर। साथ ही अगर आप भी एटीएम से पैसा निकालते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी सावधानी बताएंगे, जिसको लेकर आपका कभी कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अभी की जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी पर तनाव के लिए चीन ने भारत को ठहराया जिम्मेदार, राजनाथ सिंह ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, चीन और भारत के बीच की तनातनी सुलझने की बजाय दिन ब दिन उलझती ही नजर आ रही है। शनिवार यानी 5 सितंबर को चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें ड्रैगन ने सीमा पर विवाद के लिए पूरी तरह से भारत को जिम्मेदार ठहराया है। चीन ने कहा, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर मौजूदा तनाव के क्या कारण है और क्या सच है, ये बहुत स्पष्ट है और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, चीनी रक्षा मंत्रालय के जवाब में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात में दोनों देशों के लिए बॉर्डर पर शांति और सहज माहौल की है जरूरत, हमें सभी स्तर पर बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, चाहे वो सैन्य वार्ता हो या फिर कूटनीतिक और संवाद व संपर्क से बातचीत को हल करना चाहिए। सिंह ने ये बातें अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखी हैं। सिंह ने आगे कहा कि भारतीय सेना वीरों की सेना है, हर चुनौती के लिए सदैव तैयार है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, भारतीय सेना हर चुनौती के लिए सक्षम, समर्थ है और पूर्णतः प्रभावशाली भी। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ा कटाक्ष किया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दोस्तों। और साथ ही आप कितना समर्थन करते हैं राजनाथ सिंह की बातों का, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। साथ ही दोस्तों, चाइना जिस प्रकार से भारत पर ब्लेम कर रहा है और भारत की गलती निकाल रहा है दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और आप किस प्रकार से चाइना को जवाब देना चाहेंगे, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि ड्रैगन के लिए एक और बुरी खबर, चीन को छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों को सब्सिडी देगा जापान। जी हां दोस्तों, भारत से दुश्मनी मोल लेना चीन को काफी भारी पड़ रहा है, हर दिन उसे कोई ना कोई झटका लग रहा है। थाईलैंड के बाद अब जापान से उसके लिए बुरी खबर आई है। जापानी सरकार ने ड्रैगन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जापान की तरफ से कहा गया है कि वो उन जापानी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगा जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपना सामान तैयार करेंगी। देशों की इस सूची में भारत और बांग्लादेश का नाम शामिल किया गया है। आपको बता दें, अगर सीधे शब्दों में ये बात कहें तो चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों को जापानी सरकार पुरस्कृत करेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जापान की ओर से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है दोस्तों, आप इसकी कितनी सराहना करते हैं जरूर बताइएगा। और अगर आप भी दिल से जापान को इस बड़े कदम के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब एक और खबर की माने तो सेना प्रमुख ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा पूरे देश की नजरें हम पर है टिकी हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा है कि इस वक्त पूरे देश की नजरें उन पर
पर है और सेना को मौजूदा हालातों में जोश और धैर्य दोनों के साथ काम करने की दरकार है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सीमा के समीप भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए नरवणे ने सैनिकों से कहा, देश के लोगों की नजरें हम पर हैं, जोश के साथ साथ आपको धीरज और संयम से काम लेना है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं होगी, पहले की ही तरह होंगी सारी भर्तियां। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो भारत चीन विवाद पर बोले ट्रंप, हालात बेहद खराब लेकिन अमेरिका हर मदद के लिए है तैयार। जी हां दोस्तों, ये बड़ी बात कही गई है और भारत के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आप उनकी बात में कितनी सच्चाई देखते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बांग्लादेश की मस्जिद में बड़ा हादसा, एक साथ 6 AC में विस्फोट, 17 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक मस्जिद में AC में विस्फोट होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद में गैस रिसाव के कारण एक साथ 6 एयर कंडीशनर में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से एक बच्चे सहित कम से कम 17 नमाजियों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और गैस रिसाव वाली बात कितनी सच है दोस्तों या फिर कोई आतंकी हमला है, जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। एक और खबर की माने तो चीन का एक और कारनामा, चुपके से लॉन्च किया दोबारा इस्तेमाल होने वाला अंतरिक्ष यान। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो जोखिम भरी अफगान तालिबान शांति वार्ता, ऐसा संयुक्त राष्ट्र का कहना है। बता दें युद्ध से तबाह देश अफगानिस्तान में नियुक्त संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च अधिकारी के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान में हुई भीषण हिंसा से यहां अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। इससे अफगान सरकार और तालिबान के बीच जल्द ही शुरू होने वाली शांति वार्ता खतरे में पड़ सकती है। अफगानिस्तान में चल रही हिंसा का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए इसी साल फरवरी में अमेरिका और आतंकी संगठन तालिबान के बीच एक समझौता हुआ था। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि देबोरा लियोंस ने गुरुवार को UN सुरक्षा परिषद में एक ब्रीफिंग में कहा है कि अफगान सरकार और तालिबान आपस में बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंकी संगठन ने बातचीत शुरू होने से पहले ही कैदियों की रिहाई जैसे मुद्दे उठाकर इसे और उलझाने की कोशिश की है, इसलिए ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों जरूर बताइएगा। अब एक और खबर की ओर चलें तो बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ भारत और रूस की नेवी का संयुक्त सैन्य अभ्यास। इंदिरा, जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो यूपी सरकार ने दिया पड़ोसी देश को झटका, चीनी कंपनियों को होगा करोड़ों का नुकसान। बता दे भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीनी कंपनियों को एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चीनी कंपनियों की एंट्री बैन करने के लिए मौजूदा नियमों को और सख्त कर दिया है। यूपी सरकार ने अपने सभी सरकारी टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों समझा ये जा रहा है कि यूपी सरकार के इस फैसले के बाद चीनी कंपनियों को भारी नुकसान होने वाला है। बता दें प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने पड़ोसी देश की कंपनियों को अपने सभी टेंडरों से अलग करने का फैसला कर लिया है। अब यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी सरकारी काम में पड़ोसी देश की कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर यूपी सरकार का ये फैसला चीनी कंपनियों को ट्रेडर्स के अलग रखने के लिए है। नियमों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अब चीनी कंपनियां आसानी से सरकारी काम में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप योगी सरकार के इस बड़े फैसले का अगर सच में दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखकर बताइएगा। अब एक और खबर की ओर चलें तो भारतीय अमेरिकी मुझे देंगे वोट, प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार नेता। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, बता दे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वोटरों को अपनी तरफ लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक चुनावी संबोधन के दौरान भारत के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यहां के लोग महान है और उन्होंने एक शानदार नेता को चुना है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोगों एवं PM मोदी का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को चाहने वाले जितने भारतीय अमेरिकी या
भारतीय हैं, जितने भारतीय अमेरिकी हैं, उनको क्या डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। अब एक और खबर की माने तो पुतिन के धूर विरोधी नेता को जहर दिए जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बता दे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और डराने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें नवलनी पर रासायनिक हमले से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं, हालांकि मैं मामले पर नजर रखूंगा। जर्मनी ने इस मामले में कहा था कि नवलनी को जहर दिया गया था और वो जहर रूसी लैब में बना रासायनिक हथियार नोविचोक था। हालांकि ट्रंप ने कहा कि जर्मनी के आरोपों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं बहुत बुरा कदम उठाने वाला पहला राष्ट्रपति दिखाई दूंगा। ऐसे में दोस्तों बड़ी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और रूस को अलर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत चीन शांति बनाए रखने पर हुई राजी, लेकिन चुशूल में नहीं रुक पाएंगे पीएलए की हरकतें। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो मरियम नवाज और उनकी पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद के आरोपों में केस दर्ज कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और उनकी पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों में मामला दर्ज कर लिया गया है। मरियम और उनके कार्यकर्ताओं पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर कथित हमले और उपद्रव का आरोप है। जी हां दोस्तों, अब एक और खबर की माने तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर WHO का बड़ा बयान, टीके की सिफारिश नहीं करेगी। जी हां दोस्तों, बता दें कि WHO के प्रमुख ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी सुरक्षित और प्रभावी साबित होने से पहले किसी भी कोरोना टीके के उपयोग की सिफारिश नहीं करेगी। हालांकि चीन और रूस ने व्यापक प्रयोग के समाप्त होने से पहले ही अपने टीके का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो घुटनों पर आया चीन, 80 दिनों में भारतीय रक्षा मंत्री से मिलने के लिए इतनी बार मांगा समय। बता दें LAC पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 4 महीने से चल रहे गतिरोध के दौरान चीनी पक्ष ने 80 दिनों में 3 बार भारतीय पक्ष से मिलने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं, मास्को में हुई बैठक का अनुरोध भी चीनी पक्ष की ओर से किया गया था दोस्तों। सूत्रों ने बताया है कि चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने पिछले 80 दिनों में 3 बार भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का अनुरोध किया था। यहां तक कि चीनी मंत्री ने संवाद के लिए भारतीय रक्षा मंत्री के होटल में आने की बात भी कही थी। जी हां दोस्तों, इस खबर को सुनकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया जागृत होती है दोस्तों, कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने रूस से लौटते हुए अचानक ईरान पहुंच गए राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो मोदी सरकार ला रही है नई पॉलिसी, कबाड़ में जाएगी अब आपकी पुरानी गाड़ी। जी हां दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो उसे कबाड़ में भेज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द एक नीति लेकर आ रही है। आपको बता दे कि लंबे समय से इस नीति की बात हो रही थी, हालांकि अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये नीति जल्द लागू होने वाली है। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सभी संबंधित पक्षों ने इस पर राय भी दे दी है। जी हां दोस्तों, इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की नीति लाने के लिए तैयार है। इसके तहत बंदरगाहों के पास रिसाइकलिंग केंद्र बनाए जा सकते हैं। गडकरी ने कहा था कि पुरानी कारों, ट्रकों और बसों को कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप इस कदम का दिल से समर्थन करते हैं हाँ या ना, जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या ये कदम सही है ये भी बताना बिल्कुल मत भूलेगा। अब एक और खबर की माने तो रेलवे का कहना है बुलेट ट्रेन परियोजना में अच्छी प्रगति, अगले 3 से 6 महीने में चलेगा समय सीमा का पता। जी हाँ दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के समय पूरा होने में देरी हो सकती है, क्योंकि महामारी के चलते भूमि अधिग्रहण के काम में देरी हो रही है। इस परियोजना का काम दिसंबर 2023 में पूरा होना प्रस्तावित है। रेलवे ने शनिवार को कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन इसके पूरा होने की वास्तविक समय सीमा का अगले 3 से 6 महीने में पता चलेगा, जब भूमि अधिग्रहण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो आगरा के सपा नेता ने लगवाए थे लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आपत्तिजनक पोस्टर, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री के आपत्तिजनक
मुबारक पोस्टर लगवाने के आरोप में पुलिस ने आगरा के सपा नेता को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आगरा के संजय प्लेस में इंडियन प्रिंटिंग वर्क्स प्रेस में पोस्टर छपने की बात सामने आई। इस पर शनिवार को पुलिस यहां आई, प्रिंटिंग प्रेस के मैनेजर और डिजाइनर को गिरफ्तार कर लिया। थाना हरि पर्वत में GD एंट्री कराने के बाद लेकर गई। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार के गलत हरकत करने वालों के खिलाफ किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, इनको जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 12 सितंबर से चलेगी 80 स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों में सफर के लिए 10 सितंबर से बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने शनिवार को कहा कि भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है। इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि 40 जोड़ी यानी 80 स्पेशल ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की मांग और जरूरत के हिसाब से ट्रेनों को चलाना शुरू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आती है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग रेलवे से सफर करने वाले हैं दोस्तों, आए दिनों में जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सुशांत सिंह राजपूत केस में NCB का बड़ा खुलासा, ड्रग एंगल में एक बड़े नाम पर कस सकता है शिकंजा। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो सिक्किम से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जहां पर 17,500 फीट की ऊंचाई पर रास्ता भटक गए 3 चीनी नागरिक, इंडियन आर्मी ने बचाई इनकी जान। जी हां दोस्तों, सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में भटके चीनी नागरिकों को भारतीय सेना ने रेस्क्यू कर जान बचाई है। ये चीनी नागरिक 3 सितंबर को 17,500 फीट की ऊंचाई पर रास्ते पर भटक गए। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना ने इनसे अपनों की तरह व्यवहार किया है दोस्तों। किसी तरह की कोई भी दुश्मन देश की नीति अप्लाई नहीं की गई है और इनको अपने भारतीय नागरिकों की ही तरह समझकर इनसे उसी तरह का व्यवहार किया गया। ऐसे में दोस्तों भारत के सैनिकों की इस दरिया दिली को लेकर आप कितने खुश हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो हैदराबाद से एक और बड़ी खबर, जहां बाल बाल बचे चंद्रबाबू नायडू, गाय बचाने में काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो सुशांत की मौत पर सियासी कसरत, बिहार BJP ने छपवाया स्टिकर जिस पर लिखा है ना भूले हैं ना भूलने देंगे। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो रेलवे में भर्ती के लिए आवेदन किया था तो आ गई आपके काम की खबर। आपको बता दे परीक्षा कब होने वाली है। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है। अब इन विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि रेल विभाग ने कोरोना काल शुरू होने से पहले बंपर वैकेंसी निकाली थी। इसके तहत आए आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी का काम अब पूरा हो गया और अब जल्द ही विभाग पूरे परीक्षा शेड्यूल को जारी करेगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरे थे, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो ATM से पैसा निकालते समय बरतें ये छोटी सी सावधानी, नहीं होगा किसी तरह का कोई भी फ्रॉड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ATM मशीन पर एक कैंसिल का बटन होता है, आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन के पूरा होने के बाद इसे जरूर दबाना होता है दोस्तों, इससे आपके कार्ड को कोई हैक नहीं कर सकता है। कैंसिल बटन दबाने से आपकी डिटेल्स भी किसी के पास नहीं जाती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप जब भी पैसा निकालने के बाद आप कैंसिल बटन को जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग कैंसिल बटन दबाते थे, बताइएगा जरूर। और जिन लोगों को अभी पता लगा है वो भी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो IPL 2020 से खबर है, खत्म हुआ क्रिकेट फैंस का इंतजार, इस दिन जारी होगा IPL मैचों का शेड्यूल। जी हां दोस्तों, IPL सीजन 13 को लेकर क्रिकेट प्रेमी काफी एक्साइटेड हैं। कोरोना के कारण अप्रैल में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के मैच इस साल सितंबर से शुरू होने जा रहा है। महामारी के प्रकोप के चलते इस साल IPL सीजन 13 के मैच देश के बाहर दुबई में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में IPL 2020 के शेड्यूल को लेकर ताजा अपडेट आया है। आपको बता दें IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने शनिवार यानी 5 सितंबर को ANI न्यूज एजेंसी को बताया है कि IPL 2020 के शेड्यूल की घोषणा रविवार यानी आज 6 सितंबर को की जाएगी। जी हां दोस्तों, जैसे ही डेट आती है हम आपको तुरंत बताएंगे। इसके लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना